अस्सलाम वालेकुम। आज जिस एम्पलीफायर का हम रिव्यू करने वाले हैं वो एक क्लास डी एम्पलीफायर है, 200 वाट का, 100 वाट प्लस 100 वाट, जिसका मॉडल है जी आपके सामने XYC100H। बेसिकली एक सीनी लैंक का एम्पलीफायर है, मॉड्यूल है, कंप्लीट जस्ट प्लग एंड प्ले। इसमें बिल्ट इन ब्लूटूथ भी है, USB है, ऑक्स है, और इसकी ऐप भी है कंट्रोल करने के लिए। तो इसको अनबॉक्स करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और फिर देखते हैं इसका मज़ीद रिव्यू करते हैं। अच्छा, बॉक्स के ऊपर जस्ट एक बार कोड दिया हुआ है उन्होंने, अपना मॉडल नंबर लिखा हुआ, 100 वॉट प्लस 100 वॉट है और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो इसको ओपन करते हैं तो इस किस्म की ये पैकिंग में आता है, सिंपल है, बिल्कुल बेसिक है। इसको साइड पे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ये इसमें हीट सिंक दी हुई है IC के ऊपर लगाने के लिए, और जो है एक DC पिन दी हुई है पावर प्लग करने के लिए, एक स्क्रू ड्राइवर दिया हुआ है इसकी फिटिंग के लिए, और जो है इसमें ये टॉप साइड की प्लेट है टॉप पे लगाने के लिए, ये बॉटम की है एंड इसको पील ऑफ भी कर सकते हैं आई गेस। और दूसरा ये एक वॉल्यूम नॉब दी हुई है और साथ में स्क्रू वगैरह दिए हुए हैं, बस इस यही है। तो मेन बोर्ड पे आते हैं। इसमें TPA 3116 जो डबल ICs लगी हुई हैं, जो कि 100 वॉट की IC है PBTL मोड में, और 50 वॉट प्लस 50 वॉट जो है आपको स्टेरियो मोड में मिलता है। तो इसमें जो है ये दोनों ICs PBTL मोड में लगाई हुई हैं। तो इसका ओवरव्यू लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये राइट साइड पे देखेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोलर दिया हुआ है, मल्टीपर्पज़ है। इसमें क्लिकेबल ये स्विच भी दिया हुआ है जिससे आप जो है प्ले पॉज नेक्स्ट प्रीवियस ऑन ऑफ वगैरह सब कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पे देखिए एंटीना लगा हुआ है ब्लूटूथ का, ब्लूटूथ IC है, ब्लूटूथ वर्जन इसमें 5.0 या 5.1 है। लेफ्ट साइड पे देखेंगे ऑक्सिलरी इनपुट दिया हुआ है, PC से, TV से, किसी भी चीज़ से आप इनपुट दे सकते हैं। इसमें साथ में USB दिया हुआ है, इसको एज ए DAC आप यूज़ कर सकते हैं डिजिटल इनपुट के लिए, और अपने जो ऑडियो ट्रैक्स हैं वो भी प्ले कर सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पे ये एक वोल्टेज रेगुलेटर दिया हुआ है, जिस मिनी कंपोनेंट्स हैं SMD कंपोनेंट्स, इसको कॉन्फ़िगर किया गया सर्किट को। जो जो पावर के डीकपलिंग कैपेसिटर्स हैं वो आपके सामने 335 वोल्ट और 470 माइक्रोफेरेड्स के हैं। तो इसके हिसाब से ये कम है क्योंकि दो ICs लगी हुई हैं, तो इसमें आप जो है ना कम अज़ कम 4700 माइक्रोफेरेड के जो है दो दो कैपेसिटर्स और ऐड कर लें पैरेलल में नीचे ही, बाकी ऐसा सच कोई ज़्यादा काम की ज़रूरत नहीं है इसमें। और IC से आगे, IC पे हम बाद में डिस्कस करेंगे। इससे नीचे हम जाते हैं, यहाँ पे देखें इंडक्टर लगे हुए हैं जो कि आई गेस 4 ओम या 2 ओम्स के लिए कन्फिगर किया गया, क्योंकि ये PBTL मोड में 100 वॉट आउटपुट लेनी है तो इस पे जो लोड है वो 2 ओम होना चाहिए अगर 100 वॉट चाहिए। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इसके ऊपर 4 ओम से ज़्यादा और 4 ओम से कम लोड जो है वो ना डालें, ताकि आपको एक ऑप्टिमल परफॉर्मेंस मिले। और नीचे उसके देखेंगे, यहाँ पे ये डायोड्स दिए हमें रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन के लिए, कि अगर आप प्लस माइनस उल्टा भी लगाते हैं तो कुछ सेफ्टी हो जाए। और उसके साथ ये DC जैक दिया हुआ है, DC जैक बेसिकली दिया हुआ है, इसकी जो पावर रेटिंग है आप इसको 7 to 8 वोल्ट से स्टार्ट हो जाता है ये एम्पलीफायर, और ऑल द वे अप टू 26 वोल्ट तक आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन रिकमेंडेड जो पावर है 24 वोल्ट है मैक्सिमम, 26 वोल्ट पे ना जाएं। अगर ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे जाना है तो 21 वोल्ट है वो इनफ है इसको ड्राइव करने के लिए, लेकिन एम्पेयर जो है कम अज़ कम 7 से 8 एम्पेयर होने चाहिए। आप 24 वोल्ट लगाएं या 21 वोल्ट लगाएं, अगर आप वोल्टेज कम देंगे एम्पेयर कम देंगे तो इसको आप तो आपको आउटपुट जो है वो पूरी नहीं मिलेगी जो मिलनी चाहिए। उसके नीचे उसके लेफ्ट साइड पे देखेंगे, यहाँ पे कनेक्टर्स दिए हुए हैं, ये देखें DC 5 वोल्ट टू 26 वोल्ट यहाँ पे, और स्पीकर का प्लस माइनस है राइट साइड का लेफ्ट साइड का। और ये देखेंगे यहाँ पे ऑडियो आउटपुट दिया हुआ है, मेरे ख्याल ये प्री एम्पलीफायर है, इस ताकि अगर आप इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं किसी दूसरे एम्पलीफायर में पैरेलल में लगाना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली इससे लगा सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, बैग को फर्स्ट ऑफ ऑल असेंबल कर लेते हैं, देन जो है इसका साउंड टेस्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि ये रियल लाइफ में कैसा इसकी साउंड क्वालिटी है।
ओके, सो कनेक्शन मैंने कर लिए और अब इसको ऑन करते हैं। 24 वोल्ट पे ही ऑपरेट करते हैं इसको। ये देखिए बज़र आ गया, ऑन हो गया सर्किट हमारा तकरीबन 8-9 वोल्ट पे ही। अब इसको जो है ब्लूटूथ भी कनेक्ट करते हैं। ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया, अब इसको जो हम साउंड ट्रैक प्ले करते हैं। अच्छा, जो स्पीकर मैंने इसके ऊपर लगाए हुए सोनी के बुकशेल्फ स्पीकर, ऑलमोस्ट 6 ओम्स जो है इनकी इम्पीडेंस है और पावर रेटिंग ऑलमोस्ट कोई 70-80 वाट के करीब है, तो आई होप कि इसके ऊपर अच्छा चलेंगे। ओके जी, टेस्टिंग हमारी हो चुकी है। एज यू हैव सीन, काफ़ी अच्छा बेस रिस्पॉन्स है, ऑडियो क्वालिटी भी ठीक ठाक है। अगर तो एक जनरल पर्पज़ के लिए आपने इसको यूज़ करना है होम थिएटर के लिए बुकशेल्फ स्पीकर के साथ, तो बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है, बहुत कम प्राइस में। और दूसरा, इसके ऊपर अगर आप 24 वोल्ट पे जो है ना इसको ऑपरेट करेंगे तो 6 से 8 इंच का फुल रेंज या वूफर अंडर 100 या 180 वॉट ईजिली ड्राइव कर लेगा। रिकमेंडेड जो है वो मैं आपको अपनी तरफ से सजेशन दे देता हूँ, बाकी मर्ज़ी आपकी। 21 वोल्ट के ऊपर, 20 वोल्ट के ऊपर इसको ऑपरेट करें। और अगर आपको सस्ता अडाप्टर मिल जाएगा लैपटॉप का यूज़ में, आफ्टर मार्केट जो होता है 500-600 रुपये में इजीली आपको मिल जाएगा 6-7 एम्पेयर का। और इस किस्म के बुकशेल्फ स्पीकर जो हैं ये आप बना के प्ले कर सकते हैं, और एक नॉर्मल रूम के यूजेज के लिए मोर देन इनाफ है। आपको बड़ा एम्पलीफायर अगर नीड नहीं है तो ये आपकी सारी नीड्स जो है ना पूरी कर देगा। इसमें यूएसबी भी है, इसकी ऐप दी हुई है बेसिकली, वो मैंने अभी इंस्टॉल नहीं की, तो वो आप इसकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके और ये सारी चीज़ें स्विचिंग भी कर सकते हैं, इक्वलाइजर भी सेट कर सकते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हैं। तो बड़ा स्पीकर आपने नहीं चलाना 8 इंच से ऊपर, नहीं तो हो सकता है ये सर्किट आपका डैमेज हो जाए या वूफर में भी हो सकता है डैमेज हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।